ग्वालियर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि एक तरफा चुनाव है, भाजपा चुनाव जीतने जा रही है, बाकी जो लोग भ्रम में हैं, उनका भ्रम 10 तारीख के बाद दूर हो जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर टिप्पणी को लेकर कहा कि मैं इस टिप्पणी को अच्छी मानता हूं। गरीब होना गुनाह या अभिशाप नहीं है, हमारे सभी नेता गरीबी से उठकर ऊपर गए हैं। कांग्रेस के पास इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उनकी पंचायत प्रदेश से उठ गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज नहीं नरोत्तम है के सवाल पर कहा कि ये भाजपा में नहीं होता, कांग्रेस सरकार में होता था, पर्दे के पीछे मुख्यमंत्री कांग्रेस में होता था। इस दौरान उन्होंने शायरी के माध्यम से तंज कसते हुए कहा कि रुकता नहीं था तमाशा, रहता था खेल जारी, उस पर कमाल ये था दिखता नहीं था मदारी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, लगभग एक तरफा वातावरण है, बाकी लोग जो इस भ्रम में हैं वो भ्रम भी उनका 3 तारीख को मतदान के बाद या 10 तारीख को परिणाम के बाद दूर हो जाए। मैं तो उस टिप्पणी को अच्छी मानता हूँ, मेरी तो मान्यता है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, पाप नहीं है। हमारा नेता जितने भी होते हैं, माननीय शिवराज सिंह जी हों चाहे प्रधानमंत्री हों, ये सब गरीबी से ही ऊपर गए। और लोकतंत्र में तो जनप्रतिनिधि पेटी से आता है, पेट से तो आता नहीं। नहीं, पीसी शर्मा जी पे इसके अलावा बचा क्या है, बाकी तो पंचायत उठ गई। नहीं, उनसे कहने से कुछ नहीं होता। मैं अभी फिर कह रहा हूँ, यहाँ कानून का राज है और संविधान में जो व्यक्ति शपथ लेता है वही मुख्यमंत्री होता है। कांग्रेस के यहाँ थे, एक पर्दे के पीछे से अलग चलाता था, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार जी ने कहा था कि, और मंत्री थे वो जिसने कहा था कि पर्दे के पीछे कोई और है और आगे से कोई और है, जो पर्दे के पीछे से चला रहा है वो दिखता नहीं। रुकता नहीं था तमाशा, रहता था खेल जारी, उस पर कमाल ये था दिखता नहीं मदारी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।